राम से आगे की यात्रा है कृष्ण। राम के बचपन का उल्लेख बहुत छोटा है। गुटवन चलत रे नुतन मंडित मुख दधि लेप किए। तुलसीदास जैसे सरस कवि भी भगवान के बचपन को देखने के लिए तरस गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सु दशरथ अजर बिहार। दशरथ के अजर में, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले राम को नमस्कार है, लेकिन आंगन में क्या विहार, क्या क्या किया, इसका ज्यादा वर्णन नहीं है, क्योंकि राम कम आयु में अयोध्या की गुप्तचर सेना के अध्यक्ष बन गए और 15 वर्ष की आयु में तो विश्वामित्र उनको ले ही गए। तो राम ने बचपन नहीं जिया और युवता भी षड्यंत्रों की भेंट चढ़ गई, लेकिन कृष्ण ने बचपन भी बहुत अच्छा जिया और जवानी भी बहुत अच्छी जी, और प्रौढ़ता में तो गीता जैसा नवनीत दिया। जैसे दूध जब जम जाता है, जब उसमें समस्त प्रकार की संजीवनी शक्ति समा जाती है, तब उसके दोहन हो जाने पर जो नवनीत निकलता है, महाभारत का युद्ध वो दोहन करने वाली मटकी थी जो स्वयं मटकी फोड़ने वाले ने ही आयोजित की थी, और उससे जो नवनीत निकला वो गीता जैसा नवनीत निकला, जिसे विश्व भर में आदर दिया जाता है, पढ़ा जाता है। राम के जीवन में अर्थ है और कृष्ण के जीवन में रस है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ नहीं है, रस ही सबसे बड़ा अर्थ है। नृत्य करते समय कई बार नर्तक जब स्थिति को भूल जाए कि वो कहां नाच रहा है, कलाकार जब पेंटिंग बनाता हुआ ये भूल जाए कि कितनी देर से उसने पानी नहीं पिया है, गायक सुर लगाता हुआ जब ये भूल जाए कि वो चौराहे पर है कि एकांत में है, तो उस अनहद सीमा को रस कहा जाता है। भगवान कृष्ण 24 घंटे इस रस की सिद्धा अवस्था में रहते हैं। ये सिद्धा अवस्था आ जाती है तब ये साहस, ये संकल्प और ये सौंदर्य पैदा होता है कि इस जहर के सबसे बड़े प्रतीक जहरीले काले नाग के फन पर चढ़कर भी आप बांसुरी बजाकर डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, तभी से तो। अन्यथा तो एक सांप दिख जाए तो सारी इंद्रियां और चेतनाएं सजग हो जाती हैं। गाड़ी चलाते समय अचानक सामने से ट्रक मोड़ काट दे तो नाभि के पास सारी चेतना आके केंद्रित हो जाती है। कितने भी बड़े आप रईस हो, हाथ से खाना खाते खाते या पानी पीते पीते कांच का गिलास टूट जाए, गिर जाए, तो एकदम आप छटपटा जाते हैं कि क्या हो गया, जबकि उस गिलास का कोई मूल्य भी नहीं है, 10-20 रुपए हैं। आपत्ति के आते ही सजग हो जाने का कार्य अर्थ कराता है, और आपत्ति संपत्ति अनापत्ति के बीच सजग रहकर बांसुरी बजाने का काम करने वाला कन्हैया कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। अब आप कहेंगे कि इतना ही सिद्ध है आपका कृष्ण, तो रोता क्यों है, मां से पिटता क्यों है, गालियां क्यों खाता है, कुटिलता से, मनहर कुटिलता से मुस्कुराता कैसे, जब दुर्योधन से कहता है कि हां हां बांध। ये जगत के रस में स्वयं को निष्णात रखने के लिए, लगाए रखने के लिए एक रज्जू है, एक रस्सी है। आत्महत्या की कगार पर गए हुए हर व्यक्ति के मन में जो एक बात कॉमन आई है, जिसकी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, वो ये कि पृथ्वी पर जुड़े रहने का उसके कारण समाप्त हो गए हैं, कि अपने बच्चों में, अपने बुजुर्गों में जीवन का एक रस जरूर छोड़ें। कलयुग में जिनमें संतत्व उतरा है, जिनके माध्यम से विश्व ने शांति पाई है, जिनको देखने मात्र से मोक्ष का अनुभव हुआ है, जिनके माथे पर हाथ रखने से नरेंद्र विवेकानंद बन जाता था, वे रामकृष्ण परमहंस भोजन के बहुत शौकीन थे। उन्हें भोजन का बड़ा रस था, ये चटनी में नमक कम है, इसमें थोड़ा जीरा और डालती। माँ उनकी पत्नी जो थी वे भी बड़ी विदुषी थी, कलकत्ते के काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, आप जानते हैं, और काली से बात करते थे, संवाद करते थे, सब जानते हैं, लेकिन खाना खाते समय बहुत टीका टिप्पणी करते थे, इसमें तुमने घी कम डाला, अगली बार से बनाओ तो इसे पहले थोड़ी देर सेकना।
एक दिन गुस्से में उनकी पत्नी ने कहा, इतने बड़े विद्वान हो, दुनिया भर के लोग तुमसे प्रवचन सुनने आते हैं, नरेंद्र जैसे बच्चे तुम्हारा आशीर्वाद लेके विवेकानंद बन गए, और तुम ये 24 घंटे ये इस शौक में लगे रहते हो कि इसमें स्वाद था और ये बनाओ। तो उनका मुख थोड़ा म्लान हो गया। रात्रि में शयन के समय उन्होंने अपनी पत्नी और मां से कहा, जो हमारी मां है, उन्होंने कहा कि तू जानती है इस पृथ्वी में बने रहने का मेरा एकमात्र रस भोजन है, और मैं तुझे एक बात बता रहा हूं, जिस दिन मुझे भोजन में रस आना बंद हो जाए उसके एक हफ्ते बाद मैं पृथ्वी छोड़ दूंगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन उन्होंने खाना खाया, उनके बाद मां ने खाना खाया, मां ने कहा आप अजीब आदमी है, इस सब्जी में मैं नमक डालना भूल गई, आपने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला। मां ने तुरंत तार भेज के नरेंद्र को बुलवाया कि तुम्हारे गुरुदेव के समय पृथ्वी पर कम रह गया है, और छठे दिन बाद रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की गोद में शरीर छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया। जीवन का रस बनाए रखने के लिए एक रज्जू डालनी जरूरी है। राम से ही यात्रा कल से चल रही है, राम के दुख ने विश्व को बांधा है, राम के कष्ट ने दुनिया को एक साथ बांध दिया है। वनवास के लिए निकला है वो सुदर्शन युवक तो पूरा विश्व रोया है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। हमारे उत्तर प्रदेश में गांव में गीत गाया जाता है, कौन नरेशवा के देशवा उजरी गए ले, ये कौन सा राजा है जिसने अपना घर बर्बाद करके इतने प्यारे बच्चों को जंगल भेज दिया है। महिलाएं बात कर रही हैं। अब पंक्ति आती है कृष्ण पर और राम पर, राम के दुख ने विश्व को बांधा है और कन्हैया के आनंद ने विश्व को बांधा है। यह अंतर है, क्योंकि अंतिम यात्रा तो आनंद की ही है। कल भी मैंने बताया था भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम है सच्चिदानंद। आनंद तो अपराधियों को भी आता है, आनंद तो महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार करने वाले पुरुषों को भी आता है, आनंद तो गली के कुत्ते को उसके दिवाली के दिन उसकी पूंछ में पटाखे बांधकर उसे कष्ट पहुंचाने वाले लंपट और नालायक बच्चों को भी आता है, आनंद तो अपने माँ बाप के सामने अनर्गल बहस करके उनका अपमान करने वाली नालायक संतान को भी आता है, आनंद तो विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या का कत्लेआम करने वाले हिटलर को भी आता था, लेकिन वो दुखांतिक आनंद था। एक आनंद होता है कि आपके पहुंचने से लोग प्रसन्न हो जाएं। मैं आज इस छोटे ठाकुर से ये कहता हूं कि अपने बड़े भाई बड़े ठाकुर से बात करके मुझे सिर्फ इतना साहस प्रदान करे, मुझे इतनी आयु प्रदान करे, मुझे इतनी चेतना प्रदान करे कि वाम पथ पर जाती हुई एक पूरी पीढ़ी को मैं राम पथ तक ला सकूं, इतना काम हो जाए तो अच्छा होगा। यह जो सच्चिदानंद है, यह जो सत्य के कारण आनंद है, इस हॉल में बैठे हुए लोगों आज रात को जाकर सोचना, तुम अच्छा जी रहे हो या बुरा जी रहे हो इसकी एक पहचान है, क्या तुम्हारे होने से आसपास सुंदरता पैदा होती है या भय पैदा होता है। अगर तुम्हारे होने से तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे शहर में भय पैदा होता है, दुख पैदा होता है, तो तुम निरर्थक जी रहे हो। और अगर तुम्हारे पहुंचने मात्र से गली के लोग, मोहल्ले के लोग, श्याम समिति के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो सोचो कि तुम आनंद के साथ जी रहे हो, सच्चिदानंद के साथ जी रहे हो। और कोई ईश्वर की संभावना नहीं है, संकल्पना नहीं है, केवल यही संकल्पना है। आपके होने मात्र से जगती में प्रसन्नता का व्यवहार होना चाहिए। आप कुछ लोगों को देखिए, उनका चेहरा कितना प्रसन्नता से भरा हुआ होता है। आपको वो एयरपोर्ट पे मिलते हैं, आपको वो ट्रेन में मिलते हैं, आपको गली में मिलते हैं, वो कितने प्रसन्न मिलते हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने आज इनको कोई बड़ी उपलब्धि दिला दी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कुछ लोगों को देखिए, उनका चेहरा ही ऐसा है कि वो पुण्यतिथि के दिन पैदा हुए हैं, वो कष्ट में ही रहते हैं। तो यह जो आनंद में रहने की सतत प्रक्रिया है, यह आपके अंदर का कृष्ण तत्व है। संकल्प इस परिसर में लेके जाइए कि आज के बाद आपके होने के कारण आपका समाज, आपका जिला, आपका शहर दुख नहीं, केवल और केवल आनंद अनुभव करेगा, तब आनंद है।
क्योंकि आपका जो दुख है, आप मुझसे कहेंगे जी मुझे तो खुद ही बहुत दुख है, मेरे तो व्यापार में घाटा हो गया, मेरा तो प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे तो पैर में चोट लग गई, आप बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन नहीं, जितना दुख तुम्हें है सामने वाले का उसका 1/10 दुख कम करके देखो, तुम्हारा 2 गुना सुख उत्पन्न होगा। बहुत सारे लोग केवल कांटे बिछाने के काम में लगे रहते हैं, उन्हें सुख का पता ही नहीं है कि कांटा निकालने का क्या सुख है। जो लोग समाज में काम करते हैं, जिस समिति ने यह कार्यक्रम कराया है, इस समिति ने कांटा निकालने का काम किया है। रसखान जैसा पठान, सैयद इब्राहिम पठान रसखान, वो कहता है कि शासन छोड़ो, मैं त्रैलोक्य कुर्बान कर सकता हूं। किस चीज पर? ब्रज में जो करील के कुंज हैं, जिनके नीचे से कभी कन्हैया निकले हैं, अगर ये देखने को मिल जाए तो मैं कल्प वृक्षों का बाग कुर्बान कर सकता हूं। और वो जो लकड़ी है जिसको लेकर वो अपनी गाय चराने निकले हैं, वो जो उन्होंने अपने कमर में कमरिया बांध रखी है, उसके ऊपर मैं 3 लोकों का राज्य नौछावर कर सकता हूं। अगर भगवान मुझे कहें कि रसखान सुन, तुझे 8 सिद्धि और 9 निधि प्रदान करता हूं, और दूसरी तरफ एक काम यह है कि जहां कन्हैया गाय चराते थे वहीं तुझे गाय चराने का काम देता हूं, तो रसखान कहता है कि मैं लपक कर गाय चराने का काम ले लूंगा, 8 निधि छोड़ दूंगा, 9 निधि छोड़ दूंगा। तात्पर्य ये है कि जड़ चेतन को रस से भरने वाला वह कृष्ण सही मायनों में रस की खान है। रसखान का वही प्रिय हो सकता है कवि का जो पूरी दुनिया से असंपृक्त, जिस पर काम भी असर नहीं करता, उस शंकर को भी रास में जो आमंत्रित करके नचा दे, उसका नाम कन्हैया है, उसका नाम है।